माता की। कृष्ण, मैं कृष्ण गुप्ता, प्रधान कृष्णा गौशाला सरहंद। आज गोपाष्टमी का त्यौहार कृष्णा गौशाला दे विच बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। कल इत्थे श्री रमायण जी दे पाठ रखा गया, अज उहदा भोग पिया। हुण सवेर तो 10 बजे तो लेके हुण तक कीर्तन चल रहा है। कीर्तन तो बाद तूट इत्थे लंगर वरतूगा। बहुत लोग इत्थे आने हैं इस गौशाला दे विच अपनी गुआ नूं प्रणाम करन लई, उहनां दी सेवा करन लई। मैं उन्हां लोकां दा वी धन्नवादी हाँ जिहड़े इत्थे आके गौ सेवा करदे हैं। गोपाष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण ने तो शुरू होया थी। इस दिन भगवान कृष्ण ने गौं चराणियां शुरू कीतियां थी। उस तो बाद यह गौ माता के त्यौहार के रूप में हुण तक मनाया जाता है। सारे किते ही सारे भारत के वर्ष के गौ माता का यह त्यौहार गोपाष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल सारे गौशाला च मनाया जाता है। अरे बीच में आज स्वामी श्री वेदानंद जी कृष्णा गौशाला में गौ सेवा के लिए आज वो यहाँ पधारे। इन्होंने ही जो मंदिर बना गौशाला में उसका नीम पत्थर रखा था और ये बहुत धर्म के कार्य करते रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। बोले गौ माता की, बोल गौ माता की जय। माता की जय। मैं पंडित श्री राकेश कुमार मोदगिल सभी गौ भक्तों को, सभी क्षेत्रवासियों को कृष्णा गौशाला की तरफ से, हमारे प्रधान जी की तरफ से और जो इस गौशाला में सेवा करते हैं उन सबकी तरफ से सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूं। आज के दिन आप सबको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चराना शुरू किया था। तब से ही यह हमारे सनातन धर्म में त्यौहार के रूप में सभी भक्तगण इसको मनाते हैं। स्वामी श्री वेदानंद जी, वेदानंद गिरी जी महाराज की प्रेरणा से और जो हमारे बीच में हमारे अनुभवी प्रधान जी हैं, हमारे भाई साहब राणा जी हैं, सिंगी साहब हैं और बहुत से भक्त हैं जिनको गौ माता की अपार कृपा है, जिनके ऊपर ज्ञान है और उनके प्रेरणा से ये कार्य होता है। बड़ी धूमधाम से सभी का सहयोग से मंदिर में श्री रामायण जी का खंड पाठ, उसके उपरांत कीर्तन, फिर लंगर का बताया जाता है, लंगर बताया जाता है। इसका जो सब तरह से जीव है इसको ग्रहण करते हैं। जो धर्म कर्म के पुण्य है वही फलीभूत होते हैं, ऐसा ये त्यौहार सभी को प्रेरणा देता है। श्री कृष्णा गौशाला जी की तरफ से और सभी उसके वर्करों की तरफ से सभी नगरवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सब विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती गौ माता सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे, विश्व में शांति बनाए रखे, इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए गौ माता की जय।